देवेंद्र हिंदू। देखिए आज जो उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई, उस सुनवाई में ये मामला ये संविधान पीठ को, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाए या न जाए, इसके ऊपर चर्चा हुई है और दोनों साइड्स को 1 तारीख तक इसके बारे में अपने प्लीडिंग्स या अपना सबमिशन देने को कहा गया है और 1 तारीख को इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। जो भी सुनवाई हुई है हम लोग उससे सेटिस्फाइड है और हमको विश्वास है कि हमने सारी चीज़ें कानूनन की है, लेकिन चूंकि अभी यह सारा मसला सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है, इसलिए मेरिट पर बोलना ये ठीक नहीं होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। स्टेटस को का सीधा मतलब ये है कि व्हिप के उल्लंघन की 16 लोगों को नोटिस उन्होंने दी है या बाकी लोगों को भी, करीब 40 लोगों को उन्होंने नोटिस दिए व्हिप के उल्लंघन की। हमारे साथ जो लोग हैं, हमारी जो शिवसेना है, शिवसेना ने जो 15 लोग बचे हुए हैं उनको व्हिप के उल्लंघन के नोटिस दिए। ये दोनों नोटिस पे स्टेटस को रखा जाए, कोई एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई न करे, ऐसा उसका मतलब है।